दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है आप इसको जरूर दबाएं और यहां से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे ये फायदा होगा हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे वक्तन फवक्तन आपको सबसे पहले हजरत उलमाए किराम व मोहतरम सामईन सोते जागते और हमारी माए बहने जो हमारे में जाने हैं या नहीं, मेरे दोस्त और बुजुर्ग को घबराइए मत, मैं आप तक मौलाना अब्दुल कादिर को बुला रहा हूं। आप जानते हैं कि एक मुस्तकिल जलसे से मैं अभी कुछ देर पहुंचा जो लगभग घंटे भर तकलीर करते हुए आया हूं। हम लोगों को रात को रहम करना चाहिए, हम लोग बोलेंगे और आप लोग सुनेंगे और हम लोग रोजमर्रा बोलते हैं और आप एक दिन दो दिन सुनते हैं। सोचे तो सही है, सोचो तो यह हजरात के उलमा किराम एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपका नब्ज देखता है और फिर अपने स्टेथोस्कोप में लगाता है। जाने से पहले डॉक्टर देखने से पहले आप उसके टेबल में 300, 500, 200 रुपया जरूर रख देते हैं। अरे कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाते हो 200-300 रुपया उसके टेबल में पहले रखोगे तो रखोगे कि नहीं भाई? मैं जानता हूँ कुर्सी आप लाल नजर आ रही है और आप लोग बखूबी सो रहे हैं और ये कुर्सी की वजह से अब दम लेने की जरूरत नहीं, अब कुर्सी पर ही सो रहे हैं। मेरे लोग सोचो तो सही, ये उलमाए कराम घंटा दो घंटा तीन घंटा और न जाने कितनी रात बोलते हैं, इन पर रहम करने वाले कोई नहीं है। मैं अर्ज करूंगा बड़ी बेतवज्जुही हो और बहुत ही ये तरीका गलत होगा कि हजरत मौलाना अबू तालिब साहब तकलीफ से पहले हजरत मौलाना सुहाबुल्लाह साहब बयान किए दिल हिला देने वाले बयान सुने फिर भी सो रहे। मैं देखा मेरी नजर पड़ी तो बहुत लोग सो रहे। अल्लाह की मैं आगे करूंगा गुजारिश करूंगा इस चंद बातों पर कुरान रसूलुल्लाह के मौजदात में कुरान शरीफ 3000 मौजदात में एक वो बड़ा मौजदा याद रखो और वो मौजदा अब तक हमारे घर में है। सारे मौजदात रसूलुल्लाह के दौर में आए और उसी वक्त गए लेकिन कुरान वो मौजदा है जो आज तक हमारे घरों में है। कुरान मजीद गए घर में है, ये मौजदा हमारे घर में है। गच्चा हम बड़ी हिफाजत के साथ कुरान शरीफ आज छूटे नहीं और साथ ही साथ कुरान गिर जाए तुम इतना डरते हैं कि जल्दी से कुरान मजीद के वजन पर नमक सरका कर बहुत डरते हैं। कुरान शरीफ की गई अल्लाह मेरी है अल्लाह माफ कर लेकिन कुरान शरीफ को पढ़ता नहीं। आओ कुरान शरीफ का मौजदा बता, मौजदा जो आजिज कर देने वाला है। आप मालूम होना चाहिए कुरान अरबी में है और हमारी जुबान कबर में भी अरबी हो और साथ ही साथ हाथ में भी अरबी हो और अरब वाले बहुत प्रकाश बलागत वाले थे लेकिन तुम सुनकर ताज्जुब करोगे एक बादशाह का लड़का तो फैल इतने उम्र दौसी यमन का शाहजादा था तो फैल इतने उम्र दौसी यमन का शाहजादा था हुजूर एक सरवरिया थी उसका आना बेइरादा था। चुनांचे यमन का बादशाह का लड़का मक्का पहुंचा कुरैशी मक्का ने बहका दिया था उसको आते ही कि इंसान अपनी खो देता है उसके पास जाते हैं पलाव खाओ मुर्गी खाओ गोश्त खाओ सब लेकिन मोहम्मद नमी
आदमी बैराज पैदा हुए, घर घर में लड़ाई हो गई, लेकिन ये याद रखो वहां मत जाना, वो कुरान पढ़ता है अजीब हाल होता है। तो बादशाह चलकर सोचने लगा, अरे इंसान हमारी सुननी मानना, ये इतना कुरैश वाले मुझे क्यों रोक रहे हैं, वहां जाने से मना क्यों कर रहे हैं। अरे इंसान हरी सुननी मामोनिया, इंसान हरी सो जाता है जिस चीज से मना किया जाए। का देखूंगा, कोशिश करूंगा। नाम से एक दिन निकला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में तशरीफ फरमाते, कजाकार एक दिन ये हो गया दो चार हजरत से, कजाकार हुजूर कुरान पढ़ रहे थे, कजाकार एक दिन ये हो गया दो चार हजरत से, सुना मामूर सुना कुरान, फिर मामूर था पूरे हिदायत से, हुजूर की जुबान से कुरान सुना और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान सुना और ईमान। मेरे दोस्तों, कुरान वो अल्लाह की नियामत है। हमारे मदरसे में एक मदरिस थे जो सुंगड़े के छह महीने में कुरान याद, और अभी भी है और अभी कुरान याद है, छह महीने में याद। और सुना जोबल की बैठे रहते ही दारुल हदीस में लगी रहते थे। एक दिन हजरत फखरुल मोहद्दिसीन मौला फखरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, सोचे डरते नहीं को खत्म करो, उठ जाए मुसाफिर बोल बनो अब रे कहां तू सोवत है, जो सोवत है वो सोवत जो जागत है वो पावत है। अरे जितना बैठे हो हम करीब जाने वाले हो, समझ गए, जागना है जागने अपना के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा हश्र तक सोता रहेगा, हाथ के साए तले हश्र तक, बहुत सोए टाइम आ रहा है, उठ जाए मुसाफिर ये रात के सोने वाले, जरा दुख नींद से उठो काम में लग, सुनता हो के उनकी गलियों में इसी रात को सौदा बिकता है। ये टाइम है जो सौदा बिक्री का, सुनो आधा शख्स अजीब बैठे रहते मौला दाम। एक दिन हदीस बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे, रात 12 बजे तक पढ़ाते थे, नजर पड़ जाती किसी पर तो उठाते थे, तो अचानक हदीस पढ़ाते पढ़ाते कुरान की आयत की जरूरत पड़ गई, कहा पढ़ो कुरान शरीफ, पढ़ो कुरान शरीफ, तलबा को कहा और जरा शुरू भी किया, लेकिन कोई पढ़ सका अपने कुरान मजीद की आयत को तिलावत किया, सुनो आज ये जिंदा जावेद मौजूदा है, और हजरत शेख तो फखरुल मोहद्दिसीन मौलाना फखरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का वाक्य हमने सुना है, कहते तुम लोग कुरान याद किए, अरे अल्लाह का दो दो बरस 29 बरस में, खुदा का शुक्र 29 दिन में मैंने कुरान याद किया, 29 दिन में कुरान याद कर दिया। और हजरत मौलाना सिराजुल साददीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, अगर दिन को एक दो मरतबा कुरान देख लेते थे, रात को सवाल नहीं है कि कोई हाफिज कुरान के सामने गलत करके चला जाए या छोड़ दे। मौलाना सादी साहब का एक कुवत हाजरा था, पहले जमाने में अल्लाह ने कुवत हाजरा ऐसी अनायत किया था कि कुरान को याद भी करते थे और कुरान पढ़ते थे, लेकिन अफसोस है कुरान तो चाची चैलेंज के लिए रहे, कुरान आज प्रश्न है कुरान आज कहाँ है। मेरे दोस्तों, चालसी के लिए कुरान है, कुरान वो आखिर जी को बैठाते हैं 40 दिन कुरान पढ़ाते, कुरान तो नाजिल हुआ था नैना नजर, वो कुरान अल्लाह ने फरमाया हमने कुरान नाजिल किया कि हम लोग ने तावीज कुरान अगर इस्तेमाल किया, तावीज बंदे के लिए कुरान इस्तेमाल किया, चालसी कैनून के लिए कुरान नाजिल हुआ, घर में बरकत के
के लिए, लेकिन कुरान नाजिल हुआ था, मुझे याद नहीं आता। अरे नहीं थी, तुम लोग थोड़ी याद आ गए। उन्होंने तेरे से कुरान माहुआ छिपा हूं मरियामत पर, कुरान हमने नाजिल किया शिफा बनाकर, यानी दवा बनाकर। दवा ये नहीं कि ताबीज में, दवा ये नहीं है कि तुम कुरान पढ़ाओ और मुर्दों के बख्शिश के लिए। हाँ जरूर है कि तुम कुरान पढ़ के बख्शिश करो, मुर्दे को कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ है कि तुम अपने मुर्दों की बख्शिश कराओ। कुरान तो नाजिल हुआ है, दवा बनवा तुम बनाकर भेजा है तो उससे इस्लाह करो। तो बात समझो अच्छे से मेरे दोस्त और गुरु, कुरान के एक कुरान पढ़ना, बात समझो। और मैं अभी तक दो मिनट चाहने कहूंगा तो तुम्हारा इलेक्शन आ रहा है, वोट के वो को उठी लालटन से वो जो उठी, दो बात कहने हैं। कहाँ जा रहे हो अभी? अरे अभी माहौल है, अभी जा जाओ तो तुम जाओगे, गुजरात वाले बोल रहे हैं आए मोदी जी, मोदी क्या कर रहे हो तुम, किधर जा रहे हो? अरे जमीतुल उलमा का फैसला है, आज भी माना अच्छा बहरहाल आ चुका है सत्ता के समझ बूझ कर अपना एक टुकड़ा भी वोट डाला, चुनाव के पार्लियामेंट टूट गया एक वोट की वजह से। और वो खुद उमांगो था जो हमारा ओडिशा का एमपी पार्लियामेंट चल रहा है, वो टीम हुआ लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया या खिलाफ कर दिया, सारा पार्लियामेंट टूट गया। क्या समझ रहे हो तुम, किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? और सो जा रहे हो, सो दे बहुत सो दे। मदारिस के सिलसिले में वादा हो रहा था, मदारिस के सिलसिले में याद रखो, एक इंसान में सुना देकर मैं चंद बातों को सुन लो अच्छे से। मुझे याद आ रहा था अमीन साहब और मौलाना खालिदुर और दो मदारिस वाले हैं, सब सुन लो। एक मरतबा फरमाने लगे, दालान जोबल का खर्चा महीने में 1,000 रुपया था, अच्छे से सुन लो। 4 महीना हुआ कहीं इमदाद पहुंची नहीं, चुनाव के सारे आचार्यदा की बुलाया, कहा दुआ कीजिए अल्लाह साहब से मदद फरमाए। 4 महीने से 1,000 रुपया दालान जोबल का खर्चा और आज 25 करोड़ रुपया। आपको मालूम होना चाहिए साल में 25,000 रुपया 25 करोड़ रुपया दारुलूम जोबल का खर्चा हुआ, उस वक्त 1,000 रुपया दुआ कराए तब तक घर चले। तो फरमाते थे 4-5 दिन के बाद एक लफाफ आया, तो लफाफ जो पाया तुमने लफाफ खोला, मजमून पड़ रहा कलकत्ते का एक शेर लिख रहा है, सुन रहे आप लोग? अरे जाते हुए सुन रहे हैं? नहीं नहीं, आधा सुन रहे हैं आधा हड़प, जाते हुए सुनो मेरे दोस्तों। मैंने कल तो मैं सुबह जाकर नाले के वन में लड़ाई करूंगा, माना ना ऐसा कहते। तो क्या किया ये याद रखिए, सुन लीजिए, का लफाफ फाड़ा देखा कलकत्ते का एक शेर लिख रहा है कि 4,000 रुपये का ड्राफ्ट भेज रहा हूं, 4,000 रुपये का एक ड्राफ्ट भेज रहा हूं, अक्षय दराज से मेरी बीवी साहब फिराज, मैं इलाज कर करके थक गया, ये 4,000 रुपया दानुम लोगों के तलबा के लिए भेज रहा हूं। फरमाया करते थे मैं मौजूद था, सुना कहा कि मैंने मुंशी सफी साहब को बुलाया कि हम लोग, और मैं खत कर खत की तारीख लेकर, तो वही तारीख जिस तारीख में हम लोग बैठ कर दुआ कर रहे किए थे उसी तारीख में चला हुआ है। तुरंत से मैंने मुंशी सफी साहब से कहा, ये लो हम लोग ने रोजों के 4,000 रुपये की दुआ की थी, अरे अगर हम लोग 4,00,000,000,000 करोड़ की भी दुआ करते अल्लाह मदद करता। मेरे दोस्तों और गुरु को कुरान के कुरान मौजूदा बच्चे के कुरान पढ़ा एक बार। अरे तुम लोग का तो कैसा बोल, अभी चंदा हुआ चोरे आ गया, सुभान अल्लाह, कोई उठ के खड़ा नहीं हो, बताओ कि ये मदारिस के लिए
मेरे हमारे मजिस्टर इस्लामिया दीनिया अध्यक्ष 14 महीने के अंदर ऑफिसर सब घुस गए। कितने बच्चे हैं बताओ, कितने मुदरसिन हैं बताओ, सालों की तनख्वाह हम देंगे, सारे बच्चों का खाना हम देंगे। मैंने इनकार किया कि तुम्हारी तनख्वाह ने हम लेंगे न तुमको हम बच्चा सौंपेंगे। आज तू बच्चा का सौंप दिया कर, कल तुम इंटरव्यू कर, हम मना किए। और एजुकेशन के लिए बहुत गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि तुम्हारे मदरसों में घुसे, तुम लोग हाफिज बजाओ, मदारिस को हाफिज सरकार के हवाले। फिर ऑर्डर आया कि सारे इमामों की तनख्वाह मौलाना हमारे अब्दुल वदूद साहब जो ऑफिस सेक्रेटरी है जमीयतुल उलमा वली साहब। अरे ऑर्डर आया कि सारे जितने इमाम हैं मस्जिद के सारों की तनख्वाह गवर्नमेंट पेमेंट करेगी। मेरे दोस्तों बच्ची सब में लड़ाई शुरू हो गई। मौलाना फारूक ने कहा कि मौलाना अब हर बस्ती वाले कहते मैं सेक्रेटरी हूँ, तो कहते मैं सरदार मार लूंगा, ताकि गवर्नमेंट का पैसा इमाम को कुछ तनख्वाह देकर बच्चिया हरा कर ये जब्तूब चला जाए। हम लोगों ने मना किया, याद नहीं है, इश्तेहार है लिख कर पूरे ओडिशा वालों को मना किया कि हम इमाम के लिए तनख्वाह नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तब बाजार बंद हुआ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गो मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कुरान पढ़ने के लिए, तो कुरान पढ़ो तब बच्चे थोड़ी आगे हो जाएंगे, कुरान पढ़ने के लिए बच्चों को। और आजकल तो बच्चों का चंदा बड़ा मुश्किल हो गया। चुनाचे निकला है हमारे अखराब में क्या क्या कन्वर्ट स्कूल, सुबह आपके बच्चे लेकर छोटे 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 बच्चे सबको वहां करके भाग जाए, बच्चे चले अब कॉन्वर्ट में बच्चे भी आ रहे हैं। अब तो मैं बिलाल का काम आ गए थे, मैं चॉकलेट बांटो, चॉकलेट दो तो कुछ बच्चे आए, चॉकलेट देते देते वो वहाँ अनाड़ी बच्चे वो बेटू घर के बच्चे जो घूम रहे थे, तो मतलब 40-50 जम गए। ये हाल है मदरसों के लिए बच्चे गए सब कॉन्वेंट में भेज दे, नहीं भेज रहे सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे। अरे खुदा के लिए हजरत मौलाना सुहागुल्ला साहब ने कहा कि दीन यही है मदारिस और इन्हीं के दुकान और सत्र में दीन रसूलुल्लाह के जमाने से अब तक हमें पहुंचा ये मदारिस दीन के किले हैं। और हजरत मौलाना महमूद साहब महमूद आजम ने फरमाया था अरे हम थके हैं अंग्रेजों से, अब बहरहाल मदारिस का मकासिद का जाल फैलाओ, जाल फैलाओ तो इस हिंदुस्तान में बहरहाल जिंदा रहूंगा। मैं गुजारिश करूंगा वोट का टाइम आ रहा है, मैं कह मैं नहीं बोलूंगा आज तक दिन ये बहरहाल हम कहेंगे एक तरफ सेकुलर पार्टी है और एक तरफ फिक्र। आप लोग इंसाफ करेंगे किसको वोट दिया जाएगा। और इतना कह देता हूँ अभी मस्जिद पर तकलीफ किया, फिर जलसगा में तकलीफ करके मस्जिद पर तो तकलीफ किया कि याद रखो आज तारीख से पाबंदी के साथ दुआ करो ए अल्लाह तू दिल्ली में वो हुकूमत कायम कर, वो हाकिम कायम कर जो हमारे मजहब इस्लाम और मुसलमान का खर्चा हो और अमन चैन का सुकून बन जाए। तुम लोग आज से दुआ करोगे हमारे सदन में दुआ जारी है। और जितने जहाँ के लोग हो अपने मुंशरिक नमाज करो या जमात के साथ करो, आज तारीख से दुआ करोगे ए अल्लाह इस हिंदुस्तान जो जमहूरी पसंद मुल्क है ए अल्लाह ऐसा हाकिम मुकम्मल मुकर्रर कर बहरहाल जो हमारे लिए हमारे मजहब के लिए भाई से दुआ करेंगे आप लोग। अरे दुआ करोगे कि नहीं आज से दुआ। और जो इमाम लोग हैं वो भी मस्जिद में दुआ करना शुरू करें, मुझे उम्मीद है कि आप दुआ रसूल बला कि आने वाली बला को पूरा टाल देते हैं। हम जो कहते हैं मेरे दोस्तों ये भी सुन लीजिए कि अल मुल्क व दीन व तमामा जमीयतुल उलमा की बात करते हैं तो कहते हैं सियासत की बात करते हैं। अरे हुजूर फरमाते हैं सियासत और शरीयत ये दोनों जोड़ुए बच्चे हैं और अल्लाह को अलादीन मलूक हैं और साथ ही साथ सारे लोग सारे प्रजा बहरहाल चलने वाले बादशाहों के तरीके पर होते हैं। बहरहाल एक ऐसी हुकूमत के सिलसिले में हमें दुआ करो जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाथ दे, हुक्म होता है कि अपना
चंदन का दुआ करोगे और बच्चों का चंदा छोड़ो, कुछ बहरहाल जो जा रहे हैं पंडित को, अरे उसको खत्म करो या कुछ पढ़ा कर भेजो, ऐसा अंग्रेजी मत पढ़ाओ जो अंग्रेजी पढ़ने के बाद अब अंग्रेज बन जाए। क्या बताएं अहबाब, हमारे कार्य नुमाया कर गए, बीए किया, डिग्री बनी, पेंशन मिले और मर गए। अब हजरत मौलाना अबू तालिब साहब मदरसे लोल आली बहुत हम आमने में बड़े जोर जबरदस्ती में तशरीफ लाए। ये तो अल्लाह के वो प्यारे बंदे हैं कि जो गद्दा कदम में और ऐसे जसामत में, लेकिन उनकी हर बात काबिल तहरीर है, काबिल तकरीर, जो हम सुनेंगे इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। इतनी बात जरूर मैं कहूँगा, बच्चों का इंतजाम करो और मदद चलने के लिए दिल खोल कर मदद करो और अल्लाह तब्दील दे तो इंशाल्लाह हर मदारिस चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। देवबंद में भी 300 मदारिस, देवबंद में 300 मदारिस इस वक्त देवबंद में चल रहे, देवबंद में 300 मदारिस एक शहर में इस वक्त भी चल रहे, 300 से ज्यादा, कोई बड़ी बात नहीं है। हर हल्के में जगह जगह लगा मदारिस चलाओ। एक बात बता देता हूँ आखिर में मौलाना, सुन लो डॉक्टर इकबाल की बात को बराबर। मौलाना अब्दुल कबीर साहब हैदराबादी ने किताब लिखी तर्क के मदारिस, तो उसमें इकबाल की दीदावरी सुन लीजिए, चार पांच सतर में इकबाल की दीदावरी कहा कि मैं सारी दुनिया का दर्शन किया, सब जगह गया, लेकिन याद रखो मुसलमानों हिंदुस्तान के मकासिद को चलने दो, मदारिस को रहने दो, उलमा से जुड़े रहो। अगर ऐसा नहीं किए, वो ऐसी जगह में गया हो जो उलमा से अलग हो गए, मदारिस से दूर हो गए, मकतब पर ध्यान नहीं दिया, नतीजा यही निकला वहाँ सारे सल्तनत तहो वाला और मिलियामिलिट हो गए, आज सारे आचार्य कदमियों बर्बाद हो गए। तुम्हारे जामे मस्जिद, तुम्हारे ताजमहल, तुम्हारे लाल किला, ये सारे आचार्य प्रतिमा और सारे मताजी ढेर हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर इकबाल की कहने पर कोई बड़े